Audio Jungle. आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरसिंहपुर जिला के सभी मीडिया से जुड़े सम्मान्य लोगों का स्वागत है। कोरोना की लड़ाई में आप सभी एक लंबे समय से सहभागी रहे जिले में और आप लोगों ने बेहतरीन काम करने का उदाहरण पेश किया है पूरे प्रदेश के सामने। कोरोना का एक ये जो लगातार चल रहा है इसका इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ बड़े परिवर्तन हुए हैं। कोरोना से लड़ाई में कुछ अभी तक का जो हो रहा है जो फाइनेंस पूरे देश में रहा है उसके हिसाब से प्रदेश और देश में जो निर्देश आते रहते हैं उसके अनुरूप हम लोग चीज़ों को अंजाम देते हैं और फिर मामला उसी तरह से काम करता है। समय समय पर आपको जानकारी मिल जाती है। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आए हैं उसके वजह उसके पीछे की बात यही है, आपको अंदाजा है कि पूरे देश में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और लगातार अपने प्रदेश में भी बढ़ा है, अपने जिले में भी बढ़ रहा है, किंतु पूरे देश की स्थिति अच्छी हुई है। अक्सर जो है कि फैटलिटी रेट पहले से कम हुआ है। अब कोरोना अभी भी कोरोना से डरने की आवश्यकता है, कोरोना से डरने की आवश्यकता है और एहतियात को 100% बरतना है। फिर भी जो भयावहता पहले दिख रही थी फैटिलिटी को लेके वो अब नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके कारण हमें एहतियात बरतने से चूकना नहीं और न ही किसी भी स्तर पर हम रिलैक्स हो सकते हैं कि हमारा काम आसान हो गया। काम बढ़ा हुआ है तो काम में कुछ डिफिकल्टी भी आएगी और पुराने अनुभवों का कुछ लाभ भी हमें मिलेगा। तो जो गुणात्मक परिवर्तन यह आया है कि हम प्रमोट करेंगे, मतलब ये नीति बनी है कि अब प्रमोट करना है होम आइसोलेशन। जो पॉजिटिव केसेस पाए जाते हैं अगर वो सक्षम है, उनके पास एक कमरा है, अलग से रह सकते हैं और परिवार में देखभाल करने वाला है तो वो घर में आइसोलेट होंगे। यदि उनके पास व्यवस्था की कमी है तो हम उनको शासकीय कोविड सेंटर में रखेंगे और होम आइसोलेशन या कोविड सेंटर कहीं भी ज़्यादा अच्छा होने हैं मंडीता थोड़ी भी दिखती है तो हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज हमें करना है आवश्यकता अनुसार, वो तो उसी तरह से करेंगे जैसे पहले हो रहा। अब दूसरी बात है सैंपल कलेक्शन की। पहले RRT की टीमें जाती थी, एनएमटी की टीमें जाती थी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद उनका सैंपल कलेक्ट करते थे फील्ड में जाके, उनके घरों में जाके, और फीवर क्लिनिक से बहुत कम सैंपल आते थे। हॉस्पिटल में कभी कोई पेशेंट आ गया उसको थोड़ा फीवर दिखा या सर्दी खांसी के लक्षण दिखे तो OPD में भी हमारे डॉक्टर कहते थे कि भैया इसका तुम पहले सैंपल करा लो, या कई बार प्राइवेट नर्सिंग होम और हॉस्पिटल से भी सैंपल के लिए रेफर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आते थे जिससे सैंपल लेते थे। अब सैंपल कलेक्शन के लिए लोगों को आना होगा फीवर क्लिनिक, 20 फीवर क्लिनिक जिले में हैं उन क्लिनिक्स पे आना होगा। हाँ, अगर कोई निशक है, दिक्कत है तो अलग बात है, हम नहीं जाएंगे, कोई ब्लैंकेट नहीं कि 100% पाना है, लेकिन सामान्य केसेस में उनको फीवर क्लिनिक आना होगा की जिम्मेदारी होगी। दूसरी जिम्मेदारी है जो पॉजिटिव पेशेंट आता है वो और उसका परिवार इसकी जानकारी देंगे कि वो उस बीच किसके किसके कॉन्टैक्ट में आए, कहाँ कहाँ उनका संपर्क रहा, ताकि वो भी आके सैंपल यहाँ पे दे। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी लोग होम आइसोलेशन में रहेंगे, अपने घरों में आइसोलेट होंगे, उनसे प्रतिदिन 2 बार जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है, जो आज रात तक हमारा आज ही रेडी हो जाएगा। वो कम से कम 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन पॉजिटिव केसेस से बात करेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कोई मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट भी रहे ताकि बातचीत से समझ सके कहीं उसे डिप्रेशन या इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो और अकॉर्डिंगली हम लोग वो जो आगे एक्शन लेना लेंगे। ये जो कमांड कंट्रोल सेंटर है ये बाकी चीज़ों को भी हमसे कोऑर्डिनेट करेगा। किसी को एम्बुलेंस की आवश्यकता है शिफ्ट करने के लिए, एम्बुलेंस जरूर मिल रही है ब्लॉक हेडक्वार्टर पर,
लेकिन वो मैसेज कर देगा, कोऑर्डिनेट कर देगा कि भैया उनके इस एड्रेस पे एम्बुलेंस भेजो ताकि उनको हमें यहाँ शिफ्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ शिफ्ट करना है। तो कोऑर्डिनेशन का एक सेंटर बन रहा है और 24 घंटे वहाँ डॉक्टर रहेंगे, 3 या 4 डॉक्टर जितनी आवश्यकता होगी हम बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर ज़्यादा पेशेंट से बात नहीं कर सकता है, खासकर के दौरान में बातचीत अगर करना है तो उनमें टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है दिन में 25-30 पेशेंट से ही बात कर पाए डॉक्टर, दिन में 8 घंटे ड्यूटी में या 15 से बात कर पाए, तो हम डॉक्टर की संख्या बढ़ाएंगे, उससे हम ड्यूटी चेंज करेंगे ताकि कोई किसी के लिए मोनोपोल्स ना हो और वो ऐसा ना कि परेशान की हमसे उससे बातें करा रहे हैं। तो रोटेशन पे जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो हम लोग करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति यथावत रहेगी, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे पहले कर रहे थे कि पॉजिटिव पेशेंट को कोविड सेंटर में लाएंगे और सैंपल लेने के लिए गांव में लोग जाएंगे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति पूर्ववत बनी रहेगी और शहरी क्षेत्र में प्रगत रहेगी। एक दिन में एक प्रश्न ऐसा उठेगा कि किसी के पास एंड्रॉयड या दूसरा स्मार्टफोन नहीं है तो कैसे बात करेगा। अगर परिवार में ऐसी दिक्कत है तो हम उनको शेड्यूल करेंगे कोविड सेंटर, शासकीय कोविड सेंटर बनाएंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हम उनसे बातचीत तो करेंगे ही, और ताकि हमें नियमित रूप से प्रतिदिन 2 बार जानकारी कम से कम मिले। इसके अलावा भी वो कभी भी कॉल कर सकते हैं उस कॉल सेंटर के नंबर पर, 2 घंटे वहाँ रहेगा, उनसे किसी डॉक्टर से बात कराएंगे। जो पॉजिटिव पेशेंट होगा और नेचुरल जो जिनके पास स्मार्टफोन होगा, तो सार्थक लाइट ऐप जो है, सार्थक लाइट ऐप वो डाउनलोड करेंगे और उसमें अपना स्टेटस को अपडेट भी कर सकते हैं, उसमें कॉल करने का माध्यम से कॉल कर सकते हैं। दूसरा, हमारे घर में डॉक्टर बात करेंगे तो पोर्टल के माध्यम से कनेक्टेड रहेंगे, इससे हमारा रिकॉर्ड रहेगा कि किस डॉक्टर ने किस वक्त किस पेशेंट से बात किया, उसके रिकॉर्ड के लिए नेचुरली अपने आप रियल टाइम हो जाएगा कि कब कहाँ कितने लोगों से बात की गई है, और इसकी मॉनिटरिंग फिर अगले स्तर पर हम लोग करेंगे।